Hey, what's up everybody? Welcome back to our channel and this is Rishabh Yadav. तो भाई आज हमारे कॉलेज में आ रहे हैं नवाजुद्दीन. तेरे को पता नहीं ये बात? तू नहीं जाएगा ना, तू तो एग्जाम देगा ना. फूटी किस्मत गाइस, इन लोग एग्जाम देंगे और हम लोग जाएंगे. क्या? नॉट अ फैन. नवाजुद्दीन के फैन नहीं है भाई, बताओ. भाई एक्टिंग देखी है? एक्टिंग ऑब्वियसली. तो गाइज अभी अपन चलेंगे सेंट्रल ऑडिटोरियम. बुक किया था भाई पूरा 1 रुपए में. 1 रुपए की टिकट थी. तेरे को पता 1 रुपए की टिकट थी? 1 रुपए की टिकट थी गाइस, तो मैंने बुक कर लिया फटाक से. महंगी टिकट फिर भी मैंने बुक कर ली. तो गाइस अभी अपन चल रहे हैं, मेरे औकात में थी गाइस इसलिए मैंने कर ली. तो गाइस अभी अपन चलेंगे सेंट्रल ऑडिटोरियम नवाजुद्दीन सर से मिलने, मतलब मिलने क्या, देखने. और ये बेचारे कुछ बीटेक के बच्चे पढ़ाई करेंगे यहाँ बैठ के, क्योंकि इनके 2 घंटे बाद एग्जाम है. ऐसे व्लॉग बनाने का कुछ मूड नहीं था, बट अभी अपन जा रहे हैं तो व्लॉग बनाना जरूरी है. कंटेंट क्या दिख रहा? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल. चलो देखो गाइस कुछ बीटेक वाले सोते हुए. उसका आज एग्जाम नहीं है. जानवर उसका एग्जाम है, इसका नहीं है. इसका भी एग्जाम है. थिएटर की पहली बार अगर मैंने अपनी लाइफ में प्ले किया तो वो गुजरात में किया था, बड़ौदा में. नॉन फिल्मी बैकग्राउंड एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड, मतलब था, पता था कि होना है, बट नवाज सर के साथ शुरुआत होना है ये पता नहीं था. तो मेरे कॉल डिस्कनेक्ट और फिर बहुत लोगों से फोन के थ्रू मुझे फोन आया इसी सॉन्ग के लिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स के. मुझे लगा कुछ तो सही है, तभी फोन आ रहे इतने सारे. अगर मैं रिजेक्ट हो गया कहीं से, वापस से दोबारा कोशिश की मैंने, वहां से भी रिजेक्ट हुआ तो दोबारा कोशिश की. शायद एक ये रीजन रहा है मेरी लाइफ में कि मैं प्यार मोहब्बत में कोशिश ही करता रहा और वो कोशिश मेरे अंदर इतनी बस गई कि मैं फिर फिल्मों में भी कोशिश करता रहा और वो सक्सेसफुल हो गई. क्या बात है. तो कोशिश कहाँ से शुरू की थी, समझे आपने? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. लेकिन सही प्यार पे कोशिश करेंगे तो सक्सेस मिलेगी आपका फिल्मों में. आपको लगता है मैं झूठ कर रहा था? क्या गिफ्ट दें, कैसे गिफ्ट दें, गिफ्ट का क्या जुगाड़ करें? गिफ्ट का उसी का पर्स मार के उसको गिफ्ट दे दूं. वो पैसे बहुत सेव करती है लड़कियां, है ना? वो बताती नहीं. मैं अपना पर्स छुपा रही हूँ. तो सर अब जुगाड़ की बात करें तो एक जुगाड़ ये भी है, देखो हम स्टूडेंट्स के सामने बैठे हैं, अब कभी ना किसी ना किसी टीचर से दिल आ जाते हैं, ठीक है? टीचर की क्लास में बैठना मुश्किल हो जाता है सर, तो क्लास में अटेंडेंस पूरी रहने का तो सब ठीक है, लेकिन पास होने का जुगाड़ सर कुछ बता सके आप? कंसंट्रेशन कैसे करें, कंसंट्रेट कैसे करें, राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेरी समझ में आपने जो बोला मेरी समझ में नहीं आया कि आप फिर एक टीचर पे सबका दिल आ जाते, मतलब ऐसे कुछ कुछ टीचर को देख के ऐसे दिल में कुछ कुछ होता है ना सर? तो अगर दिल आ गया है तो
टीचर को तो पता चल जाता होगा ना इसका दिल आ गया। हाँ तो पर सर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता फिर क्या करेगा? पता चल जाना चाहिए, अगर आ रहा है तो पता चलना चाहिए ना। तो मार्क्स दे देंगे सर? हाँ तो बस हो गया काम। हाँ तो बस तो मैं जुगाड़ टीचर को बैठा दूँ। अरे जुगाड़ के लिए डिप्लोमेटिक आंसर बिल्कुल नहीं चलेगा। लोग जनरली एक्टर से पूछते हैं आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपकी फेवरेट गाली कौन सी। एक्चुअली हमारे यहाँ जो है ना गालियां गालियां नहीं होती है, वो लैंग्वेज में लैंग्वेज के मैं सच बता दूं कि मैं हम आपस में जब दोस्त बैठ जाते हैं जब गालियां वालियां देते हैं तो लगते हैं नहीं गालियां, ऐसा लगता है लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अगर उसको बहुत प्यार जताना भी है ना, मेरा कोई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जब मुझे गाली दे के बोलते चल खाना खा माँ की पैंट, रो देता हूँ कि कितना प्यार कर रहा है मुझे। पॉपकॉर्न खाए कभी? कैसे बनता जानते हो? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता तो बहुत आवाज करता, जानते हो काहे कि उसकी फटरी होती है। करते इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं क्या बताएं, सीना चीर के दिखाए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू निकी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। गाइस एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर आवर गेस्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू। डन भाई डन, इतनी खतरनाक भीड़ भाई। अभी हम चल रहे हैं, मेरा पार्सल आ गया, पार्सल लेते हैं उसके बाद जाऊंगा हॉस्टल वरना मेरा खाना मिस हो जाएगा। पार्सल मिल गया गाइस, अभी चलते हैं सीधे रूम पे क्योंकि खाने के लिए लेट हो रहा है। इस पार्सल में क्या है वो मैं आपको रूम पे दिखाऊंगा। छोटा सा शॉर्टकट लेते हुए ये हमारा हॉस्टल, बाकी यहाँ से रास्ता। फाइनली गाइस खाना वाना डन, अब इन लोग रूम में चलते हैं। ठीक है, मेरे लिए रुक नहीं सकते थे खाना खाने के लिए? साले रुक नहीं सकते थे? कौन है तू? फोन नहीं कर सकते थे खाना खाने से पहले? मैं आता रुक जा। सर का नंबर, अरे देखो शरण नहीं आई, तेरा पेपर है आज। किसका हो गया पेपर? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम था ना तेरा, एग्जाम था ना तेरा, हो गया सही में? कैसा गया? आया था वैसे ही। ये बात जैसे आया था वैसे ही जाना चाहिए गाइस। तू क्या फोन में लगा हुआ है? वंदे वंदे वंदे। अरे यार क्यों बेचारा बंदा है यार, नहीं बंदा है तेरा, बंदा है नहीं समझोगे यार, नहीं समझोगे गाइस, ये नहीं समझोगे गाइस। अब अलाउड हो गया है फिर भी नहीं समझोगे गाइस, अब अलाउड हो गया भाई इंडिया में। भाई जो मजा आया ना, जो मजा आया तुम लोग मिस कर दिए भाई। क्या बात कर रहा है सही में? पहले तो पता है मेरी तो फट गई भाई। पहले पता है क्या हुआ? पहले हम लोग गेट में जब वो आए ना नवाजुद्दीन सर, पहले जब गेट में आया ना तो हम लोग देख लिए मतलब हाँ ठीक है एकदम पास पास, लेकिन जब सेंट्रल ऑडिटोरियम गए ना मैं बाहर ही खड़ा रह गया और पूरे अंदर सीट फुल। हम लोग को बोलते सीट फुल हो गया वापस जाओ। मैंने बोला रजिस्टर किया मैंने, तो बोलता है रजिस्टर सबने किया, सब बाहर ही खड़े। एक दो लोग तो हल्ला करने लगा कि नहीं नहीं हम तो रजिस्टर किए, ऐसा वैसा ऐसा आपने देखा ही नहीं, जो नहीं किया भी अंदर घुस गया। फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर खड़े रखा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलते हैं क्या हो गया अंदर आ जाओ। फिर हम लोग जो सीढ़ियां होती ना उसमें बैठे हुए थे। हाँ वो ऑडिटोरियम में अंदर जो सीढ़ियां रहती ना, सीट फुल हो गई थी ना, हम लोग लेट हो गए थे। नहीं फिर नहीं नहीं फिर उसका सीढ़ियों में बैठाया हम लोग को। चलो फाइनली सीट मिल गई भाई, मतलब सीढ़ी मिल गई। स्ट्रगल भाई स्ट्रगल, सीढ़ी मिल गई, स्ट्रगल कॉन्टेंट का स्ट्रगल। शूट किया? हाँ किया ना भाई, मतलब बहुत ही अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज्यादा मैं पीछे साइड में बैठा था कॉर्नर पे, बट कर लिया अभी था भाई स्ट्रगल। मैं सोचा भाई अगर इतना दूर आया हूँ अब मेरे को लगता बाहर से भगा देंगे तो फिर उसके बाद मैं यार तो पीछे कुछ कर रहा है। मैं सोचा पता है मेरे को बाहर से भगा देंगे, मैं इतनी दूर से आया, मेरे परसों एग्जाम है, मैं एग्जाम छोड़ के खाना छोड़ के सब कुछ छोड़ के आया, अब यही बाहर से भगा देंगे। लेकिन चलो फाइनली कितनी देर तक था यहाँ? आधा आधा घंटे से ज्यादा रहा होगा। चलते गाइस रूम पे। गाइस ये पार्सल था जो मैं लेने गया था, बहुत ही सस्ता पार्सल है, बट गरीब लोग भाई यूट्यूब से पैसे नहीं आते भाई, मैंने बिल फाड़ दिया। जब देखो तब कुछ ना कुछ मंगवाता रहता है। ऐसा सेम बॉक्स है मेरे, ये 7 करोड़ 7 करोड़ का चश्मा, छपरी वाला चश्मा गाइस, वो ना BTS वाले आजकल बहुत चल रहा है गाइस वाले चश्मा, तो मैंने सोचा मैं भी मंगवा के थोड़ा सा कूल लगूंगा शायद। कूल पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक भाई ये बात की जीप पे कुछ लगाओ भाई। अभी अभी आँख का ऑपरेशन हुआ है, एसी की आँख का ऑपरेशन, एसी का चश्मा मेरे को नहीं मंगता है। नहीं लगाना भाई, तू तो सेक्सी लगेगा भाई तू तो। तो गाइज अभी बच चुके हैं शाम के 5 और हम बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं भाई। रेगुलर काम नहीं, अभी हम बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं, वो रेगुलर नहीं है। वो रेगुलर अरे जो समझने वाले समझ गया वो क्या है। ठीक है तो गाइज अभी हम चल रहे हैं, बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं तो अभी अपन चल रहे हैं चाय वाय पीने के लिए। हाँ ये रेगुलर काम, पढ़ाई हमारा रेगुलर काम। ये देखो भाई कितनी सारी पढ़ाई,
देखो कितनी तैयारी पढ़ाई कर रहे हैं हम, देख रहे हो देख रहे हो। परसों एग्जाम है, आज से पढ़ना चालू किया है भाई। अभी अपन चल रहे हैं अपने सर के दर्द को थोड़ा आराम कर, आराम देने। सॉरी, ये बॉटल हम रख देंगे जय के रूम में, फिर वापस आते समय भर के ऊपर आ जाएंगे। बार बार पानी वानी नहीं भरने का सीन है ना भाई, फिर उसका बॉटल लेके जाएंगे, फिर वापस आएंगे, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखो सौम्य भैया, तू ब्रो कैंपर ही लेके आ गया है, ये भी खाली है। नीचे क्या सोच है रे तेरी, नेकी और सोच सोच, नेकी और पूछ पूछ, क्या क्या था वो डायलॉग भूल गया, नेकी और पूछ। दोपहर है तो भाई भाई, हम लोग इतनी गर्मी चाय पी जाए, खतरनाक गर्मी है। देखो धूप देख रहा हूँ, कितने डिग्री, 40। तू ब्लर क्यों हो गया, 40 डिग्री की, 40 डिग्री सेल्सियस की धूप। हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, देख रहे हो चाय के दीवाने, चाय के दीवाने। चाय में भाई ऐसे गर्मी ठंडी ये सब नहीं देखा जाता, उसको बोलते ना इतनी गर्मी में चाय पियोगा, इतनी गर्मी में चाय पियोगा। चल ना लोडू, यहाँ क्यों खड़ा है। देखो गाइस रास्ते में इसकी चप्पल खराब होते हुए, साला गरीब पर चिपका रहा है कैंटीन में बैठ के। अरे मेरे को याद है, ये रास्ते में नहीं खराब हुई है, ये पहले से खराब थी। तो हमें अपनी क्यूटनेस दिखा के 5 रुपये में इतना कुछ लिया, बल्कि क्या हम लोग के मेरे पास सिर्फ 5 रुपये, क्यों मस्त लग रही खाते हुए। अरे इतना सब सब कुछ ले आया सौम्य की उठने देख के भैया पिघल गए, पिघल गए। ये देखो ये लोग मेरा खर्चा कराने आ गए। अरे यार कुछ है ही नहीं। कौन सा सैंडविच, एक पिज्जा सैंडविच कुछ भी गई। पिज्जा सैंडविच क्या होता है गाइस, हम वहाँ पे गए, हमको 15 रुपये की एक चाय मिल रही थी, और वो भी पैसे मेरे को देने थे, तो ऑब्वियस सी बात है हम वहाँ से खाली हाथ चले आएंगे वापस। भाई 10 की मिल रही होती ना तो एक बार मैं ले भी लेता, 15 रुपये की चाय। इसकी शक्ल तेरी है 15 रुपये की चाय वाली। गाइस ये देखो आज़ाद भवन, हम डेली दिखा रहे हैं आज़ाद भवन को आप लोगों के लिए, डेली कितना प्रोग्रेस हो रहा है आज़ाद भवन। भाई देखो पहला फ्लोर ऐसा पेंट वेंट भी होने लग गया है, देखो देखो एक महीने तक कुछ तो बना, इस महीने पता है पहला फ्लोर बन जाए पहला। भाई ऐसे शॉर्टकट मारे गए, यहाँ से कूद के वहाँ तक डायरेक्ट हॉस्टल, पता मारे गए। छोड़ छोड़ भाई, सीधा ही चल, लॉन्ग लॉन्ग रास्ता, रहने दे भाई, रहने दे रहने दे, गलत काम नहीं करना चाहिए भाई, सही के रास्ते में चलो। क्या बोलते हैं उसको, नहीं कुछ तो बोलते, सही रास्ते में चलना चाहिए गाइस, गंदे रास्ते में नहीं चलना चाहिए। नो शॉर्टकट, शॉर्टकट लेना गंदी बात। मेहनत भाई मेहनत, एग्जाम के टाइम पे मेहनत, कौन सी मेहनत है। सारी इंजीनियरिंग लोग टेबल पे दिखा के चले गए, देखो भाई हार्दिक लव। देखो गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो किसी को इतना प्यार हो जाता है एक पल का इंतजार भी दुश्वार हो जाता है। वाह, लगने लगते हैं अपने भी कराए और एक इकरार एतबार हो जाता है। एतबार है आना चौधरी भाई, चलो भाई फॉलो करो, फॉलो करो दबा के फॉलो।